तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की शूट में हम बात करें कि मंडे नाइट रॉ में जल्दी हमें रिटर्न देखने को मिलेगा स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का, और क्या होगी इसकी डेट, तो सारी कुछ बात करेंगे शूट में डिटेल में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम हो कि रॉ रियूनियन के बाद एक भी अपीयरेंस हमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का देखने को नहीं मिला है। जैसा कि आपको मालूम हो कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का एक ब्रोकन स्कल अपीयरेंस होता है, या ये बोलिए कि एक उनका शो होता है, उसमें हमें सुपरस्टार फीचर्स होते हैं और वो उसको होस्ट करते हैं, और उसके बाद से एक भी अपीयरेंस हमें देखने को नहीं मिला उनका WWE में। लेकिन फ्रेंड्स अभी ये बैक स्टेज न्यूज़ ये बोलिए कंफर्म हो चुके हैं कि जो 16 मार्च का जो मंडे नाइट रॉ होगा उसमें हमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिटर्न देखने को मिलेगा। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम है कि आज के मंडे नाइट रॉ में हमें एक बेट फिनिक्स का रिवेलिटी देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन के साथ, और आपको तो मालूम ही होगा कि रैंडी ऑर्टन उनको एक RKO दे देते हैं, और उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, WWE के सुपरस्टार आते हैं, देखते हैं कि बेट फिनिक्स को कुछ हुआ तो नहीं। तो मे बी ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को WWE रिवेलिटी में घुसा दे एज रैंडी ऑर्टन के साथ, और स्टोन कोल्ड जब स्टीव ऑस्टिन आए और कुछ मेडिकली अपडेट दे एज के बारे में, और उसके बाद हमें रिवेलिटी देखने को मिल सकता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेज रैंडी ऑर्टन का। लेकिन फ्रेंड्स ये मैच में देखने को नहीं मिल सकता है, मतलब आप अपने मन से निकाल दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वो तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, मतलब कम ही चांस है कि इनका मैच हमें रैंडी ऑर्टन के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन चांस तो है फ्रेंड्स कि इनकी राइवलरी इन्हीं के साथ हो। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि WWE को एज को एक साल में 8 अपीयरेंस देना है, और वो 3 मैच रसल करेंगे, जिसमें से मतलब एक तो अपीयरेंस हो चुका है और एक मैच भी उनका हो चुका है फ्रेंड्स, जिसमें से 2 मैच बाकी है फ्रेंड्स और 7 अपीयरेंस बाकी है। तो जैसा कि फ्रेंड्स 7 अपीयरेंस है तो पूरे साल बाकी है फ्रेंड्स, तो मे बी हमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आके कुछ मेडिकल अपडेट दे दे एज के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिटर्न किससे क्यों हो रहा है, आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रोडक्ट्स इंसिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले अपने चैनल पर देते हैं। तो फाइनली बाय फ्रेंड्स।